गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा क्रेटोस सभी भगवानों से गुस्सा होकर के सभी भगवानों की याद में बसाए हुए शहरों पर हमला करता है। इन्हीं हमलों से तंग आकर के ज्यूस क्रेटोस के खिलाफ साजिश करता है और उसे मार देता है। क्रेटोस जैसे ही नर्क में पहुंचता है तभी उसे टाइटन गाया वहां से बचा लेती है और सिस्टर्स ऑफ फेथ को ढूंढने के लिए कहती है। क्रेटोस अपने एक सोल्जर को जिम्मेदारी देता है कि वो स्पार्टा को बचाए। सिस्टर्स ऑफ फेथ को ढूंढने के लिए क्रेटोस जब रास्ते में चल रहा था तभी उसके पास उसका वही सोल्जर आता है जैसे कि वो जिम्मेदारी देकर के आया था और अनजाने में क्रेटोस उसे मार देता है। सोल्जर उसे बताता है कि अब बचाने के लिए कोई स्पार्टा नहीं बचा क्योंकि ज्यूस ने पूरे स्पार्टा को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पे क्रेटोस की ज़िंदगी का एक ही मकसद बचता है, वो है ज्यूस की मौत। अब आगे क्रेटोस फाइनली सिस्टर्स ऑफ फेथ तक पहुंच जाता है, लेकिन वो सिस्टर्स से बात नहीं करना चाहता था। वो सीधा सीधा उस मिरर को, उस शीशे को इस्तेमाल करना चाहता था जिसकी मदद से वो उस समय में पहुंच सके जब ज्यूस ने उसे धोखा दिया था। लेकिन सिस्टर्स ऑफ फेथ क्रेटोस से कहते हैं कि क्रेटोस तेरी किस्मत में नहीं लिखा है कि तू ज्यूस को मारे, क्योंकि सभी की किस्मत को हम ही बनाते हैं। तू हमारी इजाज़त से अभी यहाँ तक आया है, तूने हमारी इजाज़त से एरीज को मारा था, लेकिन हम तुझे अभी इजाज़त नहीं देते कि तू जा कर के और ज्यूस को मारे। लेकिन क्रेटोस यहाँ सिस्टर्स से मना करता है, कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन सिस्टर्स उसकी बात नहीं सुनती और उससे लड़ना शुरू कर देती हैं। वो क्रेटोस से लड़ते लड़ते उसे उसी समय में ले जाती हैं जहाँ क्रेटोस ने एरीज को मारा था और कहती हैं कि अगर हम इसी वक्त समय में कुछ फेरबदल कर दें तो तू हमारे पास आज आया ही नहीं होता, तो उसी दिन एरीज के हाथों मर गया होता। लेकिन क्रेटोस उन सिस्टर्स से लड़ते लड़ते उन्हें प्रेजेंट टाइमलाइन में ले आता है और उन दोनों बहनों को पास्ट के मिरर्स में कैद करके और उन मिरर्स को तोड़ देता है, जिनकी मदद से अभी वो सिस्टर्स कभी भी इस प्रेजेंट टाइमलाइन में आ ही नहीं सकती थी। वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद होकर के रह जाती हैं। आगे बढ़ने पर क्रेटोस को तीसरी और आखिरी सिस्टर ऑफ फेथ मिलती है जो कि सभी के नसीब के धागों को बुनती है, वही सभी के नसीबों को काबू करती है। क्रेटोस आगे चल कर के उस आखिरी सिस्टर को भी ख़त्म कर देता है। और फाइनली उस मिरर का इस्तेमाल करके उस वक्त में पहुंचता है जहां ज्यूस ने क्रेटोस को धोखा दिया था, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। यहाँ क्रेटोस ज्यूस से लड़ता है और ज्यूस को बुरे तरीके से घायल कर देता है।
यहाँ घायल हुआ ज्यूस क्रेटोस से कहता है, मेरे बच्चे तूने एक ऐसी लड़ाई उठा ली है जिसे तू कभी जीत नहीं सकता। क्रेटोस यहाँ ज्यूस को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अथीना बीच में आ जाती है। अथीना क्रेटोस से कहती है कि क्रेटोस तू अपने पिता को नहीं मार सकता, अब तुम्हें ये साइकिल तोड़नी होगी जहाँ बेटे अपने पिता को मार करके सिंहासन पर बैठते हैं, और वैसे भी तुम ज्यूस को नहीं मार सकते क्योंकि ज्यूस खुद ओलंपस है, अगर ज्यूस मरा तो पूरा का पूरा ओलंपस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्रेटोस यहाँ कहता है कि अगर पूरा ओलंपस मेरे बदले के बीच में आएगा तो मैं पूरे ओलंपस को भी तबाह कर दूंगा। Zeus must live so that Olympus will prevail. If all on Olympus would deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. अब अपने बदले को पूरा करने के लिए क्रेटोस फिर से उस आईने का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो फाइनली उस टाइम में पहुंच सकता था जहां टाइटन्स और भगवानों का युद्ध चल रहा था। क्रेटोस ऐसा ही करता है और उस आईने का इस्तेमाल करके वो उस समय पहुंच जाता है जहां टाइटन्स का खात्मा हुआ था। वहां जा करके वो टाइटन गाया से कहता है, गाया तुम इस वक्त भगवानों को नहीं हरा सकते, तुम्हें मेरे साथ मेरे वक्त में चलना होगा, वहां पे हम भगवानों को हरा सकते हैं क्योंकि अथीना और एरीज ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, मैंने उन्हें मार दिया और अब भगवान मेरे नाम से कांपते हैं, तो तुम्हें मेरे समय में चलना होगा और हम भगवानों को ख़त्म कर देंगे। टाइटन्स क्रेटोस के बात से राजी हो जाते हैं और वो प्रेजेंट टाइमलाइन में आने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ज्यूस सभी भगवानों को तैयार कर रहा था क्रेटोस से लड़ने के लिए, लेकिन तभी ज्यूस को एक झटका लगता है। वो देखता है कि सभी के सभी टाइटन्स माउंट ओलंपस पे चढ़ना शुरू कर चुके हैं और तब क्रेटोस कहता है, ज्यूस तुम्हारा बेटा लौट आया है और मैं अब ओलंपस की तबाही अपने साथ लेकर के आया हूँ। Your son has returned. I bring the destruction of Olympus. यहाँ सभी के सभी भगवान क्रेटोस को उस माउंट पे ऊपर चढ़ते हुए देख रहे थे, लेकिन क्रेटोस यहाँ रुक नहीं रहा था। सभी के सभी भगवान क्रेटोस पे अपने अपने तरीके से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले समुद्र का देवता पोसाइडन क्रेटोस के ऊपर हमला करता है। क्रेटोस पोसाइडन से कहता है, एक असली भगवान कभी भी छुप के हमला नहीं करेगा, पोसाइडन बाहर आओ समुद्र से और लड़ो मुझसे। पोसाइडन क्रेटोस की बात नहीं मानता और समुद्र की ताकत का इस्तेमाल करते हुए ही क्रेटोस से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन क्रेटोस अब यहाँ किसी के रोके नहीं रुकने वाला था। वो पोसाइडन को ज़बरदस्ती उसके समुद्र की ताकतों से अलग कर देता है और यहाँ क्रेटोस बड़ी ही बेरहमी के साथ पोसाइडन को उसके कर्मों की सजा देता है और अपना रास्ता क्लियर करता है ज्यूस तक पहुँचने के लिए। Zeus should have kept you where you belong. No matter how many gods fall, there will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon.
यहाँ क्रेटोस गाया की मदद से माउंट ओलंपस के ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ उसे ज्यूस मिलता है। क्रेटोस कहता है, ज्यूस अब तो तुम्हें मुझसे आमने सामने लड़ना ही होगा, क्योंकि अब तुम अथीना के पल्लू के पीछे नहीं छुप सकते, तुम भगवानों के पीछे नहीं छुप सकते। ज्यूस तभी गुस्से में आ जाता है और आसमान में से अपना एक लाइटनिंग बोल्ट लेकर के क्रेटोस और गाया दोनों पे एक साथ वार कर देता है, जिससे कि क्रेटोस और गाया दोनों माउंट ओलंपस से गिरने लगते हैं। क्रेटोस गाया के ऊपर लटक रहा था और कहता है, गाया मेरी मदद करो, मैं नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन तभी गाया यहाँ कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद की तो हम दोनों गिर जाएंगे, और वैसे भी तुम कभी भी मेरे पसंदीदा नहीं थे। मैंने तुम्हें बचाया ताकि तुम टाइटन्स की गुलामी कर सको, और तुम बस इस पूरे के पूरे खेल में एक प्यादे से ज़्यादा कुछ नहीं थे। इतना कहकर के यहाँ गाया क्रेटोस को नीचे गिरा देती है। यहाँ नीचे आने पे क्रेटोस रिवर इंस्टिंक्ट्स में गिरता है, जहाँ से ऊपर आने पे उसे अथीना की एस्ट्रल फॉर्म दिखती है। उस एस्ट्रल फॉर्म में वो क्रेटोस से कहती है, क्रेटोस ज्यूस इतने आसानी से नहीं मरेगा जितने आसानी से एरीज मारा गया था, तुम्हें फ्लेम ऑफ ओलंपस को ढूंढना होगा। तभी क्रेटोस कहता है, कुछ समय पहले तुमने ज्यूस को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और मारी गई, लेकिन अब तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तब अथीना बोलती है, तब मुझे चीज़ें इतनी साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी जितनी अब दिखाई दे रही हैं, फटाफट से फ्लेम ऑफ ओलंपस को ढूंढो और उसे तबाह करो, उसके बाद ओलंपस की दीवारें खुद हिल जाएंगी। इतना कहकर के वो यहाँ क्रेटोस को अकेला छोड़ देती है। अब यहाँ क्रेटोस फ्लेम ऑफ ओलंपस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। क्रेटोस यहाँ अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक मूर्ति में से आवाज़ आती है, पिताजी। तब क्रेटोस अपनी बेटी का नाम लेते हुए बोलता है, कोलाइपी तुम? उधर से जवाब आता है, अरे आप मेरे पिताजी नहीं हो। क्रेटोस कहता है, तुम मेरी बेटी भी नहीं हो। तभी उस मूर्ति में से आवाज़ आती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, वो कह रहे थे कि तुम आओगे। तभी पीछे से क्रेटोस को नर्क के देवता हेडिस की आवाज़ आती है। क्रेटोस उससे कहता है कि सामने आकर के मुझसे लड़ो, कायरपना क्यों कर रहे हो? हेडिस कहता है, हमें खेलने का वक्त मिलेगा लेकिन अभी नहीं। यहाँ क्रेटोस उस मूर्ति को छोड़ हेडिस की आवाज़ का पीछा करता है। क्रेटोस को आगे बढ़ने पे हिफेस्टस मिलता है, जो कि गॉड ऑफ स्मिथ है, जो कि चीज़ों को बनाता है, हथियारों को बनाता है। हिफेस्टस के पास पहुंचने के बाद क्रेटोस हिफेस्टस से फ्लेम ऑफ ओलंपस के बारे में पूछता है। हिफेस्टस उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों ढूंढ रहे हो? क्रेटोस कहता है, क्योंकि मैं ज्यूस को मारना चाहता हूँ। लेकिन हिफेस्टस कहता है कि पहले तुम्हें इस नर्क से बाहर निकलना होगा, तब जाके तो तुम फ्लेम ऑफ ओलंपस को ढूंढोगे, और मुझे पक्का विश्वास है अगर तुम यहाँ से बाहर निकल पाए तो फ्लेम ऑफ ओलंपस को भी ढूंढ ही लोगे। क्रेटोस यहाँ हिफेस्टस से कहता है, तुमने इतनी मदद की उसके लिए धन्यवाद, और इतना कहकर के क्रेटोस यहाँ बिना किसी मदद के ही आगे बढ़ जाता है। क्रेटोस को आगे चलने पर फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, और वो देखता है कि इस बार ही उस मूर्ति में ब्लेड ऑफ ओलंपस फंसा हुआ है। क्रेटोस उस ब्लेड ऑफ ओलंपस को ले लेता है और उस आवाज़ को सुनता है, जो आवाज़ उससे कह रही थी, क्रेटोस मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगे। क्रेटोस कहता है, तुम मुझे आखिर जानती कैसे हो? लेकिन तभी उधर से आवाज़ आती है, सभी तुम्हें जानते हैं, सभी तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें मुझे आज़ाद कराना होगा। लेकिन क्रेटोस कहता है कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होती है, और फिलहाल मैं किसी और रास्ते पर चल रहा हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर के क्रेटोस आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ने पर उसे नर्क का देवता हेडिस मिलता है। यहाँ हेडिस क्रेटोस से कहता है कि तुम वही थे जिसने मेरी प्यारी सी पत्नी को जान से मार दिया, और अब मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम भी उतनी ही बेरहमी के साथ तड़पाए जाओ। इतना कहकर के हेडिस क्रेटोस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। क्रेटोस उसे बुरी तरीके से मार करके एक गड्ढे में पटक देता है। लेकिन हेडिस यहाँ नहीं मानता और क्रेटोस से फिर से लड़ना शुरू कर देता है, और इस बारी क्रेटोस हेडिस के ही ब्लेड्स का इस्तेमाल करके उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल देता है। यहाँ क्रेटोस हेडिस को मारने के बाद फिर से हिफेस्टस के पास पहुँचता है।
जहाँ हेफेस्टस उसे अपनी कहानी बताता है कि क्रेटोस की वजह से कैसे उसकी ज़िंदगी खराब हो गई, कि जिस दिन क्रेटोस ने एरीज को मारा था उस दिन क्रेटोस और उसके डर की वजह से ज्यूस यहाँ पागल हो गया था और उसी पागलपन में उसने हेफेस्टस से उसकी बेटी को छीन लिया। वो एकमात्र रीज़न थी जिसकी वजह से हेफेस्टस यहाँ जी रहा था और उसे उससे दूर कहीं कैद कर दिया। और तब हमें देखने को मिलता है कि जिस आवाज़ को क्रेटोस अभी तक सुनता हुआ आ रहा था, उस छोटी सी लड़की की आवाज़, वो कोई और नहीं बल्कि हेफेस्टस की बेटी थी जिसका नाम था पेंडोरा। यहाँ हेफेस्टस क्रेटोस से कहता है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें मेरी बेटी को बचाना होगा। लेकिन क्रेटोस यहाँ हेफेस्टस से मना कर देता है कि तुम्हारी बेटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ूँगा। लेकिन तभी हेफेस्टस कहता है, हाँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तुम समझ सकते हो क्योंकि कभी तुम भी एक पिता थे। यहाँ क्रेटोस हेफेस्टस को कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पर क्रेटोस को फिर से टाइटन गाया मिलती है जो कि अभी भी फिर से माउंट ओलंपस पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। यहाँ गाया क्रेटोस से मदद मांगती है, क्रेटोस मेरी मदद करो, मैं ही वो थी जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, जिसने तुम्हें नर्क से निकाला था। लेकिन क्रेटोस अब गाया की बातों में आने वाला नहीं था और वो गुस्से में गाया को माउंट ओलंपस से गिरा देता है। गाया को मारने के बाद क्रेटोस जैसे ही आगे बढ़ रहा था, वो देखता है सूर्यदेव को यानी कि हीलियोस को एक टाइटन ने अपने हाथ से मसल करके कहीं दूर फेंक दिया है। क्रेटोस हीलियोस के पास जाता है और हीलियोस क्रेटोस को देखते ही कहता है, क्रेटोस मुझे बचाओ, जैसे तुमने मुझे एक बार और बचाया था, मैं तुम्हारे एहसान तले दबा हुआ हूँ और मुझे बचाने के बदले मैं तुम्हारी बिल्कुल पूरी तरीके से मदद करूँगा। क्रेटोस कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मुझे बता दो फ्लेम ऑफ ओलंपस कहाँ है। इतना सुनते ही हीलियोस कहता है, क्रेटोस तुम कभी भी ज्यूस को नहीं मार सकते, ये केवल सपने में हो सकता है और तुम ये करते करते अपनी जान गंवा दोगे। लेकिन क्रेटोस हीलियोस की बात नहीं सुनता। लेकिन हीलियोस यहाँ क्रेटोस को फंसाने की कोशिश करता है और कहता है, फ्लेम ऑफ ओलंपस का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें उसके बीच में खड़ा होना होगा। तभी क्रेटोस कहता है, तुम झूठ बोलते हो क्योंकि हेफेस्टस ने मुझे कहा है कि फ्लेम ऑफ ओलंपस ना ही किसी भगवान ना ही किसी इंसान को जिंदा छोड़ेगी अगर किसी ने उसे टच किया तो। तब यहाँ हीलियोस कहता है कि तुम उस पर विश्वास करते हो, भगवान तक ने उसे अपने घर से निकाल दिया, उसे अपनी दया से निकाल दिया। क्रेटोस कहता है, इसी वजह से तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और इतना कहकर के वो यहाँ हीलियोस को भी खत्म कर देता है। Hephaestus told me the flame kills all who touch it. And you believe him? That freak has fallen from the graces of Olympus. That is exactly why I believe him. My death will not lead you to Zeus. That is where you are wrong.